थैंक यू, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं? बस हैप्पी फील करेंगे तो हैप्पीनेस अपने आप कम्युनिकेट हो जाएगी, फिर अपनी टेंशन नहीं है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम यहां चल रहा है, ये ट्रेनिंग का, और हम सब उसके हिस्सा हैं। और हैप्पीनेस का तो बहुत ही और बड़ा कार्यक्रम पूरी दिल्ली में चल रहा है, उसके हम सब हिस्से हैं। आज ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसका दलाई लामा साहब ने थोड़े दिन पहले हैप्पीनेस कैरिकुलम के नाम से लॉन्च हुआ, आज उसका ओरिएंटेशन का चौथा दिन है, फोर्थ डे। और 21,000 एजुकेटर्स, जिसमें HOS, टीचर्स, डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब लोग शामिल हैं, 21,000 लोगों के साथ ओरिएंटेशन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे, या हमारा, कम से कम हम दिल्ली के बारे में सोच सकते हैं, हुआ होगा। सबसे पहले तो इसके सफल आयोजन के लिए जो हमारे साथी यहाँ लगे हुए हैं, SCRT, डायरेक्टरेट एंड एक्सटेंडेड, पूरी फैमिली अदर देन डायरेक्टरेट एंड SCRT, बहुत सारे साथी लगे हुए हैं, डाइट्स ऑफकोर्स, वो बच्चे बोले हमें नहीं गिनोगे क्या? तो हाँ, नहीं, आपके लिए तो सारा है बेटा। तो इतने सारे लोग लगे हुए हैं, 21,000 साथियों तक ये बात ओरिएंटेशन के रूप में पहुंच चुकी है। और हम सबका मकसद है कि हम दिल्ली के हर घर तक खुशियां ले जाएं। हमारे पाइपलाइन कुछ इस तरह से है कि 38 लाख फैमिलीज हैं, उनमें से करीब लगभग एवरेज देखेंगे तो हर फैमिली से एक बच्चा हमारे साथ में है। दिल्ली में 38 लाख परिवार रहते हैं, और आज की तारीख में दिल्ली में सारा प्राइवेट, नगर निगम, MCD के भी साथी आए हुए ना यहाँ, कुछ मुझे बताया है ना, MCD के भी कुछ हैं साथी, नगर निगम, दिल्ली सरकार, DOE जिसको हम बोलते हैं, और प्राइवेट स्कूल, सारा मिला के देखें तो लगभग 44 लाख, पूरी दिल्ली के सारे स्कूलों में मिला के 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और कुल मिला के 38 लाख फैमिलीज हैं। तो एवरेज हम लगा सकते हैं कि हर घर से एक बच्चा तो है ही एवरेज। तो वो जो हैप्पीनेस की पाइपलाइन है, जिसके जरिए हम घर घर तक और समाज तक पहुंच सकते हैं, वो हमारे स्कूल्स, हमारे क्लासरूम्स हैं। हर घर का कोई ना कोई डॉट स्ट्रिंग अटैच हमारे किसी ना किसी क्लासरूम से है, लगभग। और उनमें से जो शुरुआत हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी है, नर्सरी से लेके DOE के स्कूल्स में 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं कि हम रोजाना लगभग 10 लाख बच्चों को हैप्पीनेस का एक पीरियड लेंगे, हैप्पीनेस का एक क्लास लेंगे। ये भी अपने आप में शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है अभी तक, जहां तक मेरी नॉलेज हुई है, कि इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी ट्रेनिंग्स, और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर इतना हैप्पीनेस का कैरिकुलम को, हैप्पीनेस की क्लास को लगाने का उपक्रम कहीं नहीं हुआ है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक बहुत बड़े विस्तृत प्रयोग, मैं कहूंगा प्रयोग इसलिए कहूंगा क्योंकि आज आप कर रहे हैं, कल देखिएगा पूरे देश के क्लासरूम्स में होगा, और परसों सारी दुनिया के क्लासरूम्स में होगा, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको अब रोका नहीं जा सकता। जो चीज दुनिया के, देश के 18,000 टीचर्स तक पहुंच गई, 1,000 प्रिंसिपल्स तक पहुंच गई, 1,000 स्पेशल एजुकेटर्स तक पहुंच गई, उसको कौन रोक सकता है बताइए? टीचर्स के पास कोई चीज पहुंच जाए उसको रोक सकता है कोई? टीचर्स भी चाहे फिर भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपको टीचर का धर्म ही मल्टीप्लाई होना है। जो आप तक पहुंच गया वो अपने आप मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आप उससे कम में रुक नहीं सकते, उससे कम में आप टीचर, तो ये तो होगा ही होगा। आप इसीलिए करीब 2-3 घंटे से, 2.5 घंटे से आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले भी मुझे ध्यान है, हम लोग जब हैप्पीनेस का कैरिकुलम लॉन्च हुआ था, बहुत सारे HOS उस दिन यहाँ पे थे। आप में से कितने लोग थे दलाई लामा साहब के प्रोग्राम में? दलाई लामा साहब के प्रोग्राम में कितने लोग थे? ओके, कुछ लोग थे। उस दिन उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी लॉन्च करते हुए, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए जो लोग नहीं थे,
की दुनिया में जो मॉडर्न नॉलेज है, मॉडर्न नॉलेज को, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसकी नॉलेज को एंशिएंट इमोशनल नॉलेज से मिलाना जरूरी है। अगर हमें इंसानियत खड़ा करनी है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न साइंस की नॉलेज को एंशिएंट इमोशनल नॉलेज से मिलाना जरूरी है। और बोले दुनिया में अगर कोई मुल्क अगर इसके काम कर सकता है तो भारत कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ऐसे तो मैं भी भारत के एजुकेशन के, भारत की नॉलेज के इतिहास के बारे में पढ़ता रहा हूं, और नॉट एज एन इंडियन बट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे हमेशा गर्व रहा है इस बात पे कि भारत के पास 3-4 हजार साल की वो पकड़ है इमोशनल नॉलेज पे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। उसको थोड़ा सा 2 मिनट में लेके आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्यों दलाई लामा साहब यहां इतने बड़े स्टेज पर उस दिन हमारे 5000 टीचर्स के सामने ये बात कह के गए, क्यों दुनिया में सबसे बड़ा लिविंग लीजेंड ऑन हैप्पीनेस जिनको हम कह सकते हैं दलाई लामा साहब को, वो ये बात कह रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन अगर कहता है खड़े होके कि साहब हमारे देश में फलाने न्यूटन ने, न्यूटन से पहले हमने ये कर दिया था, हमने टेस्ट ट्यूब बना दिया था, ये कर दिया था, तो हम कह सकते हैं उसको अपने वोटर इलेक्टोरेट से वोट पे प्रभावित करना है, इसलिए कह रहा होगा। लेकिन अगर दलाई लामा साहब ये बात कह के जाते हैं तो कोई गंभीर बात है। मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा कि हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी होता था कि नहीं होता था, हमारे यहाँ ये होता था, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। अभी एक बहुत साइंटिफिक बात कह के गए कि इंडिया, दुनिया में इस वक्त मॉडर्न साइंस को एंशिएंट इमोशनल नॉलेज से मिला के, मॉडर्न एजुकेशन को एंशिएंट इमोशनल एजुकेशन से मिला के पढ़ने की जरूरत है, तब दुनिया खड़ी हो सकती है, तब दुनिया में हम पीस की बात कर सकते हैं, हैप्पीनेस की बात कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वो? आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, आप सब लोगों ने साइंस पढ़ी है, अपने अपने एज पे, अपने अपने लेवल पे, आप सोच के देखिए आज जिस साइंस को आप साइंस की किताबों में पढ़ा रहे हैं लार्जली वो 400 साल पुरानी है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर देखें न्यूटन कब हुए, न्यूटन से लगभग शुरू हो रही है, उससे पहले की और भी चीजें हैं, पर मॉडर्न साइंस जिसको हम बहुत फोर्स देकर पढ़ा रहे हैं, न्यूटन 400 साल पहले हुए। उसके बाद आप देखें ये जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, नील बोर, रदरफोर्ड, थॉम्सन, ये सारे लोग आते हैं, ये मुश्किल से 100-150 साल पुराने लोग हैं। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, एनर्जी, इसका जितना हम आज दुनिया में गुणगान कर लें, जितना इस्तेमाल कर लें, वो कुल मिला के नॉलेज सारी की सारी 150 साल पुरानी है, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत हद तक जाएंगे, न्यूटन तक जाएंगे, 400 साल फोर्स और इन सबको समझने में 400 साल पुरानी है। लेकिन इंडिया में 3000 साल पहले एक आदमी खड़ा होकर कह गया, 2500 साल पहले, आर्यभट्ट नाम का, कि साहब शून्य है। वो कोई गुरु नहीं था, वो कोई धार्मिक संत नहीं था, वो वैज्ञानिक था, हम उसको मैथमेटिशियन के रूप में जानते हैं। वो खड़े होकर कहता है जी शून्य है। आज हम जिस कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं, कोबोल, जावा, ये सब तो नाम है, कंप्यूटर की असली भाषा क्या है? बाइनरी। बाइनरी क्या है? 0 और 1। 0 और 1 क्या है? नथिंगनेस और समथिंगनेस, बींग नथिंग एंड बींग समथिंग, दैट इज बाइनरी। तो वो जो नथिंगनेस है जिसको रदरफोर्ड या नील बोर एटम के अंदर जाके किसी लेबोरेटरी में बैठ के एटम के अंदर देख के कहते हैं कि जी मैंने अंदर तक देख लिया, एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इस सब न्यूक्लियस और इन सब के बीच में एनर्जी है, स्पेस है, जिसको वो 150 साल पहले ये बात कह रहे हैं। अभी 150 साल भी नहीं हुए होंगे रदरफोर्ड को या नील बोर को, 150 साल पहले मॉडर्न साइंस जिस बात को कह रही है, एंशिएंट इमोशनल साइंस, एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया 2500 साल पहले वो बात कह रही है कि शून्य है। तो कहीं ना कुछ कनेक्ट पैदा है। उस साइंस को हम इमोशन से समझ सकते हैं। हम उस वक्त आर्यभट्ट के पास तो कोई लेबोरेटरी नहीं होती थी, लेकिन कुछ नॉलेज थी, वो इमोशनल सेंसिबिलिटी थी, उस इमोशन से उन्होंने साइंस को डेवलप किया। और ये इसलिए जरूरी है, हम कोई भारतीय, मतलब आई एम नॉट अ पर्सन और अ पॉलिटिशियन हु लुक फॉरवर्ड कि हमें अपना देश ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट पे खड़ा करना है। मैं तो बिल्कुल इस बात का विरोधी रहता हूं, और मैंने हजारों मर्तबा इस आप सब लोगों के साथ संवाद में कहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो इस फिलॉसफी के साथ चलना होगा कि गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है। और गाड़ी को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि गाड़ी में आगे देखने वाला शीशा बड़ा होना चाहिए और पीछे देखने वाला शीशा छोटा होना चाहिए। तो व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज आई एम
saying कि अब हम एजुकेशन को ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट में लेके जाएंगे, बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। सबसे घोर विरोधी हूं मैं इस बात का, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट की बात नहीं कर रहा। पास्ट की सिर्फ इतनी जरूरत है जितना गाड़ी चलाने में पीछे देखने वाला शीशा। आगे बढ़ने के लिए आगे देखना पड़ेगा, आगे देखने वाला शीशा बड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्या घटना है उस छोटे वाले शीशे में, भी क्या झांकना है छोटे वाले शीशे में। झांकने की चीज यह है, मैं ऑक्सफोर्ड गया था कुछ साल पहले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां की एक बोडलेन लाइब्रेरी है, उसमें मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट देखी। पता नहीं आप में से कुछ लोग गए होंगे ऑक्सफोर्ड, वहां पे बोडलेन लाइब्रेरी में एक मैन्युस्क्रिप्ट रखी है 1600 साल पुरानी। 1600 साल पुरानी वो स्क्रिप्ट एविडेंस है, अंग्रेजों ने संभाल के रखा हुआ है भारत से ले जाके, 200 दूसरी सदी की स्क्रिप्ट है वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो संस्कृत में है। उसमें शून्य का इस्तेमाल किया गया है, जो सिल्क रूट होता था ना व्यापारियों का, सिल्क रूट पे व्यापारियों के व्यापार करने के कुछ नियम बनाए गए थे, कैसे प्रॉफिट होगा कैसे लॉस होगा। वो मैन्युस्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा उन्होंने बोडलियन लाइब्रेरी में रखा हुआ है, उसके नीचे पट्टी लगी हुई है, मैंने देखा कि ये भारत में शून्य का आविष्कार हुआ था। ये अपने आप में ये प्रमाण है इस बात का कि दूसरी सदी से पहले भारत का मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वहां शून्य का इस्तेमाल इस तरह से लोग करते थे। वो बोडलविन लाइब्रेरी के अभिलेखागार में रखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट बताती है, उसके नीचे मुझे लगा ये कहां से आई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वो आगे उसका जो नीचे लगा रहता है ना म्यूजियम्स में, वो मैंने पूरा पढ़ा, मुझे रजिस्टर है, आज लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं उसको चीजों से। उसमें लिखा हुआ था कि 1881 में पेशावर के पास कोई बख्शली नाम का गांव था, वहां के किसी किसान ने मैन्युस्क्रिप्ट अंग्रेजों को दी, अंग्रेजों ने 1902 में ले जाके वहां रखी। वो 1902 से वो ऑक्सफोर्ड के पास में है उस लाइब्रेरी, उन लोग मतलब अंग्रेजों के पास में, फिर किसी समय वहां लाइब्रेरी में रखी गई होगी। क्या कहना चाह रहा हूं, जब पीछे वाले शीशे में झांके तो काम की चीज झांके। काम की चीज ये नहीं है कि भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी था कि नहीं था, होगा अगर होगा तो हमारे पास निकल आएगा कहीं से, पता चली जाएगा, ज्यादा इसमें वोट मांगने की जरूरत क्या है। ये कह के आप एजुकेशन में लाइए सारी चीजों को। एजुकेशन में लाने की चीज क्या है कि इसको हमें एकदम क्रिटिकल देखना पड़ेगा, आज से लिंक करना पड़ेगा। तो जो हिंदुस्तान शून्य की खोज 2500 साल पहले कर चुका था, वो हिंदुस्तान ही इस बात पर अथॉरिटी लेके कह सकता है कि आज दुनिया को हैप्पीनेस सिखानी है। क्योंकि जो साइंस हमने 2500 साल पहले डेवलप की या डेवलप करने की कोशिश की या जिस तरफ हम बढ़ रहे थे, वहां हमसे कुछ गलतियां हुई। और आज HOS प्रिंसिपल्स के, क्योंकि आप सारे एजुकेटर्स नहीं है, एजुकेशन लीडर्स हैं, आपके स्कूल में जब हैप्पीनेस की पढ़ाई का कार्यक्रम चले तो हमको कैसे उसको संभाल के रखना है यह भी ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा खुल के बात करना चाहता हूं। हमसे गलतियां क्या हुई 2500 साल पहले, हमने सिर्फ 5% लोगों को एजुकेशन दी और बाकी के 95% लोग उस एजुकेशन के सिर्फ आराध्य, उसको एजुकेशन जो पढ़ा लिखा आदमी होता था उसको आराध्य बना के पूछने लगे। यह हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई कि हमने एजुकेशन को पूजा पाठ और ग्लोरिफिकेशन और वर्शिप से जोड़ दिया। उसका नुकसान यह हुआ कि हम मासेस तक उस एजुकेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। आज अगर हम ये सोचते हैं कि दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले बच्चे को भी हैप्पीनेस का पाठ्यक्रम पहुंचे सिर्फ बड़े पॉजिटिव एजुकेशन हैप्पीनेस कैरिकुलम के नाम पे, किसी अंग्रेजी ना बड़े स्कूल से की जगह हर बच्चे तक पहुंचे, तो ये जरूरी है कि हर बच्चे तक पहुंचे, वहां लाना जरूरी है। वो हमने उस वक्त नहीं किया, वरना ये नॉलेज इंडिया की चलती रहती। वो साइंस हमारी पूजा पाठ से लेके ग्लोरिफिकेशन से लेके वर्शिप तक बढ़ गई की तरफ चली गई। उधर 150 साल पहले जिन लोगों ने साइंस का आविष्कार पुनः आविष्कार करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास में इमोशनल नॉलेज नहीं थी, और इमोशनल नॉलेज नहीं होने का नुकसान यह हुआ कि मात्र 70-80 साल में जब उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को समझा, उसके 70-80 साल में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और हिरोशिमा और नागासाकी जैसे उसमें कांड हो गए। इसलिए शायद दलाई लामा साहब खड़े होकर आज हैप्पीनेस के स्टेज पर यह कहने को मजबूर हैं कि जब मॉडर्न साइंस आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब आप रदरफोर्ड नील बोर इन्होंने क्या खोज किया लाइब्रेरीज में उनको पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ यह भी बताइए कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कैसे की थी। दोनों को जब आप साथ में मिलकर समझा पाएंगे तब आप इंसान खड़ा कर पाएंगे, तब आप एक हैप्पी समाज खड़ा कर पाएंगे।
दोनों परिस्थितियों को। तो वो मैंने इसलिए रेफरेंस दिया कि कहीं मेरा आशय ये ना ले लिया जाए कि मैं बहुत ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट को हैप्पीनेस के माध्यम से लाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन ये इमोशनल साइंस, इमोशनल नॉलेज जो इंडिया की अपनी कमाई है वो बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस में हम उसी की बात करना चाहते हैं। मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूं कि क्योंकि आज आप जहां खड़े हैं और जहां से अब मुझे लगता है सरोज जी बैठी हैं, कल तक सर्कुलर निकल जाएगा, परसों तक आपको मंडे ट्यूसडे से शुरू करना है। मेरी इच्छा है कि मंडे से कर दिया जाए, हो सकता है मंडे से, सारे प्रिंसिपल सहमत हैं, चलो सर्कुलर आप तक आ जाएगा, आप मंडे से शुरू कर दो। देखो हैप्पीनेस तो बिना सर्कुलर के ही आनी है, सर्कुलर से हैप्पीनेस नहीं आती है, सर्कुलर से तो टेंशन आ जाती है कई बार, सर्कुलर से कई बार अथॉरिटी आ जाती है। आज जो माइंडफुलनेस की क्लास अभी इन्होंने ली मानसी जी ने, उससे पहले सौम्या आज नहीं है, सौम्या और हम आपके कुछ टीचर्स के बीच में इसका प्रयोग करने गए थे, वहां पे बहुत सारे टीचर्स ने बताया सर हम तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जब माइंडफुलनेस या कोई इस तरह की एक्टिविटी कराने की कोशिश करते हैं तो हमसे कहा जाता है यार तुम्हारे कौन से सिलेबस में है ये, कौन से कानून के तहत पढ़ा रहे हो, ये कैसे पढ़ा रहे हो, ये क्या पंगा, उन्होंने शब्द यूज किया किसी टीचर ने, क्या पंगा ले रहे हो आप। तो इस पंगे को पंगा ना माना जाए, इसके लिए सर्कुलर जरूरी है, उसके अलावा सर्कुलर की किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। आपके आप एजुकेटर्स हैं, आप एजुकेशन लीडर हैं, आपको किताब दे दी जा रही है, आपके 18,000 टीचर्स को हैप्पीनेस का कैरिकुलम ओरिएंट किया जा चुका है, आप मंडे से इसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, मंडे से अपने टीचर्स के साथ बैठ के। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसको लेजिटिमेसी करने के लिए हम लोग यहां से सर्कुलर जारी कर देंगे। मैं सबको विद्रोही बना रहा हूं आपके प्रति, आजकल सारे टीचर्स विद्रोही हो जाएंगे इसमें, और जब तक टीचर्स विद्रोही नहीं होना सीखेंगे हमारे बच्चे विद्रोही नहीं बनेंगे। वहां भी विद्रोह पैदा करना है, वहां भी सिस्टम को एज इट इज नहीं स्वीकार करना है चाहे जो भी हो। खैर मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, आप सब लोग आई एम श्योर हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी, आपको एक आध दिन में सर्कुलर मिल जाएगा और उसके बाद में इसको आप लागू करिए। लागू करेंगे तो कहीं ये भटक ना जाए, उसके लिए दो तीन चीजें रेफरेंस के रूप में समझनी बहुत जरूरी है। पहली तो जो मैंने कहा कि ये कैरिकुलम नहीं है, ये मतलब नाम तो शब्द तो कोई प्रचलित उठाना पड़ेगा, इसको सिलेबस के रूप में बर्डन के रूप में मत जाइए। मैं आपके सारे टीचर्स को बोल चुका हूं, पर्सनली आके सारी वर्कशॉप्स में मैं आके कह के गया हूं कि इसके तीन हिस्से हैं, और एचओएस प्रिंसिपल्स हमारे जरूर इस चीज को समझ लें कि ये हैप्पीनेस कैरिकुलम सारा है क्या। उस दिन तो जो लोग आए वो सिर्फ लॉन्च करके चले गए, ये है क्या। इस किताब के तीन हिस्से हैं, एक हिस्से में शुरुआत है माइंडफुलनेस से, आपके पीरियड जो होगा 35 मिनट का होता है, 35 मिनट के पीरियड में 5 मिनट आपको माइंडफुलनेस कराना है बच्चों को, सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं, 40 बच्चे 50 बच्चे, सबको माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करानी है। ये इसलिए जरूरी है, और किस लिए जरूरी है मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों ने इतना अच्छा एक्सप्रेस किया जब इन्होंने कराया, मानसी जी ने, वहां से किसी ने बोला मेरे पेच हिल गए, किसी ने बोला कचरा साफ होने लगा, किसी ने बोला बहुत काम महसूस हुआ, किसी, ये सेटलमेंट पीरियड है। 5 मिनट अगर हैप्पीनेस पे की किसी स्टोरी पे जाने से पहले या किसी एक्टिविटी के जाने से पहले 5 मिनट अगर आप बच्चों को दे देते हैं टू सेटल इन ए साइंटिफिक मैनर, तो ये बच्चों का सेटलमेंट पीरियड है 5 मिनट का। 5 मिनट क्लासरूम में जाने के बाद अगर माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करा दी जाती है, आप सोचिए यहां बैठे बैठे आपको यह महसूस हुआ 40-50 बच्चे जिस क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर उनके साथ बैठ के 5 मिनट की माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग या माइंडफुल सिटिंग, माइंडफुल थिंकिंग, इस तरह की कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद तो माहौल क्लास का अलग बदल जाएगा। और मेरे जैसा आदमी दिल्ली में बैठा हुआ ये सोचता है कि दिल्ली के 18,000 टीचर्स के साथ मिलकर 10,00,000 बच्चे रोजाना सुबह जब माइंडफुलनेस 5 मिनट के लिए कर रहे होंगे तो उससे कुछ तो ऊर्जा निकलेगी जिसका थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिलेगा भाई, ये हमारा भी लालच है, उससे कुछ तो ऊर्जा निकलेगी जब 10,00,000 बच्चे रोजाना 5 मिनट माइंडफुलनेस कर रहे होंगे। लेकिन वो पर्पज नहीं है, मुख्य पर्पज ये है कि 5 मिनट उनके साथ आप बैठेंगे, थोड़ा माइंडफुलनेस होंगे तो उनका दिमाग वहीं ठहरेगा। किसी ने बोला अभी, शायद स्वाति बोल रही थी, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं दिमाग में थॉट्स के, उनसे बाहर निकल के उनको सेटल करके बैठेगा। दूसरा हिस्सा है इसका कहानी, कुछ कहानियां हैं कुछ एक्टिविटीज हैं।
इसमें करीब हर कैरिकुलम में 20 कहानियां के करीब हैं शायद, है ना। दूसरे वाले में भी 20-20 है, नहीं जो ये तो मेरे पास 6th to 8th है, सब में 20-20 कहानियां हैं। लेकिन मैंने और 40 एक्टिविटीज, इन बच्चों को सब रट गया है, 40 के करीब एक्टिविटीज हैं। इन 20 कहानियों को आज जो ग्रुप है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी सी कहानियां हैं, बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। हर कहानी के पीछे एक एसेंस है। हमारा मकसद बिल्कुल यह नहीं होना चाहिए कि 20 की 20 कहानियां पढ़ा दी जाएं। कहानियों को पढ़ाना मकसद नहीं है हैप्पीनेस क्लास का। अगर कहानी पढ़ाना मकसद बन गया, एक्टिविटी कराना मकसद बन गया, तो हैप्पीनेस नहीं बचेगी। फिर तो कैरिकुलम बचेगा, सिलेबस बचेगा, सिलेबस कंप्लीशन का रिपोर्ट बचेगी। हैप्पीनेस का मतलब है कि एक भी कहानी अगर पढ़ाई जा रही है तो क्लास के एक एक बच्चे से उस पर चर्चा हो जाए, उसके एसेंस पे चर्चा हो जाए कि बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी, वो क्या है। जैसे मैं लगातार 2-3 कहानियां मैं पढ़ रहा था, अभी देख रहा था, पहली कहानी इसमें, दूसरी कहानी है 3 मजदूर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने सुनी होगी, ऐसे ही श्रुतियों से आई है। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पे किसी ने जाके पूछा मजदूरों से, क्या कर रहे हो भाई। पहला मजदूर बोला, जी पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, जी रोजी रोटी कमा रहा हूं, वो भी पत्थर तोड़ रहा था। तीसरा मजदूर बोला, साहब स्कूल बना रहा हूं, स्कूल बनेगा तो बच्चे पढ़ेंगे। घटना एक ही है, पत्थर तोड़ रहे हैं, टेम्परेचर वहां का एक ही है, सबको बराबर डेली वेजेस मिल रहा होगा, लेकिन पहला मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए सोच के कर रहा है, तीसरा मजदूर इसलिए खुश है कि वो पत्थर तोड़ देगा तो स्कूल बनेगा, और स्कूल बनेगा तो यहां बच्चे पढ़ेंगे। ये भाव अलग अलग घटनाओं में हम सबके अंदर रोजाना किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं। कोई काम हम पहले वाले मजदूर के रूप में कर रहे होते हैं, हम खुद अपने उसमें, कोई दूसरे वाले के रूप में कर रहे होते हैं, कोई तीसरे वाले के कर रहे होते हैं। इस कहानी का मकसद इस पाठ्यक्रम में शामिल करना ये बिल्कुल नहीं है कि इसको आप पढ़ा के आगे बढ़ जाइए। इस कहानी का मकसद इसमें यह है कि उसके एसेंस को पकड़ के हम अपने रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं को कैटेगराइज कर सकें कि कौन सी वाली घटना हमारे अंदर घटी जब पहला मजदूर थे हम, कौन सी वाली हम दूसरे मजदूर के रूप में कर रहे थे, और कौन सी तीसरे मजदूर के रूप में कर रहे थे। इतना आइडेंटिफाई करने में मदद करना हर बच्चे को, यह हमारा हैप्पीनेस कैरिकुलम है, यह हैप्पीनेस की क्लास है। उससे कम में हैप्पीनेस की क्लास पूरी नहीं हो सकती है। इसमें आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, क्लास टू क्लास, टीचर टू टीचर वेरी करेगा। आप ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि आपको 20 की 20 कहानियां किसी तय पीरियड में खत्म करनी है। आप 4 कहानी खत्म कर देंगे लेकिन एसेंस बच्चों तक पहुंचा देंगे, आपकी हैप्पीनेस क्लास लेनी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन आप 20 कहानियां खत्म कर देंगे और किसी भी कहानी का एसेंस बच्चों तक नहीं पहुंचा, हर बच्चे तक नहीं पहुंचा, आपकी हैप्पीनेस की क्लास बेकार हो गई, हैप्पीनेस संभव नहीं है। इसी तरह कुछ एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ये माइंडफुलनेस एक्टिविटीज स्टोरीज सबका एक एसेंस है, वो एसेंस बच्चों तक पहुंच पाया तो हैप्पीनेस तो पॉसिबल हो पाएगी, वरना कहानियां तो हम ना जाने कितनी पढ़ा रहे हैं, इतिहास तो हम ना जाने कितना रटा रहे हैं बच्चों को। कहानियां रटाने से और इतिहास पढ़ाने से हैप्पीनेस नहीं आ सकती है, उसका एसेंस पकड़ में आने से आ सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने शुरू में कहा कि बहुत लोग देख रहे हैं, आज सुबह मैं देख रहा था मेरे ईमेल में बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के ईमेल्स आए हुए हैं। ग्रीस से किसी प्रोफेसर का एक ईमेल आया हुआ है, जी आपने, मैंने सुना है हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया है, हम भी आपके टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। बहुत अपार संभावनाएं इससे खुलने वाली हैं, बस इसको बहुत सीरियसली, और जैसे मैंने कहा कि एसेंस अगर हमने, सारी दुनिया मेहनत कर रही है लेकिन एसेंस नहीं पकड़ पाई है अभी तक, और जैसा दलाई लामा साहब ने कहा, एसेंस को पकड़ के डिलीवर करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारतीय पद्धति में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिल सकती है, इसीलिए कर नहीं पाई है। 2 रेफरेंस जो मैं लगातार देता रहा हूं इन मीटिंग्स में, जरूर देना चाहूंगा कि ये कितना बड़े स्केल पे काम आप कर रहे हैं और कितना यूनिफाइड तरीके से कर रहे हैं। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, उन दिनों हार्वर्ड में मैं गया था, तो वहां की जो हार्वर्ड की इंचार्ज हैं एजुकेशन की, उनसे डिस्कस हो रहा था। मैंने उनको बताया कि हम लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं, क्या इसकी संभावना है कि हम अपने टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग का आपके साथ कुछ डेवलपमेंट कर सकें। शी वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम तो इतना सब करा रहे हैं, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव एजुकेशन, वेल बींग, इस तरह के दुनिया भर में ये प्रयोग हो रहे हैं। हार्वर्ड मतलब दुनिया भर की ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूट है। मैं उनसे पूछा कि मैडम हम स्केल पर बात करना चाहते हैं, आप मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो आप लोगों ने डेवलप किया हो जहां रोजाना आप हैप्पीनेस जैसी क्लास लेते हो और 10 लाख बच्चे कम से कम हमारे हैं,
आप 1,000, 2,000, 10,000 कितने बच्चों तक लेते हैं और इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में लेते हो, 1,000 स्कूलों में? उसने कहा 1,000 स्कूल, 18 लाख, 10 लाख बच्चे, 18,000 टीचर्स। वो खड़े हो गए, कहने लगी नहीं सर, कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है अभी, तो दिल्ली इज द ओनली प्लेस अब जहां। एंड उसने बोला मुझको, उन्होंने, वी लुक फॉरवर्ड व्हाट दिल्ली इज डूइंग नाउ। तो अब हम किसी को हैप्पीनेस पे कहीं कोई ट्रेनिंग करानी होगी तो वो दुनिया में हार्वर्ड नहीं जाएगा, वो दिल्ली आएगा। अगर कहीं कैलिब्रेशंस करने होंगे तो वो दिल्ली आएगा, वो समझना। और ये अभी तो हमने बात करनी शुरू की है, अभी तो हम टीचर्स ट्रेनिंग ओरिएंटेशन पे खड़े हुए हैं, कल को क्लासरूम्स में डेवलप होने लगा, देखिएगा क्या होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हूँ, मैं पिछले 6 दिन में 4 दिन में कितनी बार आ चुका हूँ, मैं पूरी जिंदगी में त्यागराज इतनी बार आया हूँ जितनी बार हैप्पीनेस के लिए आ गया हूँ। मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ये सारी टीम जो काम कर रही है, 35 टीचर्स, करीब 35-40 लोगों की टीम, राजेश जी, सुनीता जी, सरोज जी और सारे शैलेंद्र भाई बैठे हुए हैं, सब लोगों ने जो मिलकर काम किया, मैं लगातार इनके टच में रहा हूँ। हमारे कई सारे साथी, सौम्या नहीं है आज, सौम्या बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज सेशंस लेती हैं, लेकिन वो फ्री में यहाँ पे काम कर रही हैं कि नहीं जी कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है। स्वाति, ये सारे लोग जितने पीछे खड़े, मैं नाम एक का लूंगा दूसरे का छूटता चला जाएगा, विक्रम बैठे हुए हैं पूरी टीम में, सारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद उस टीम के हिस्से के रूप में लगातार काम करता रहा हूं, यहां भी इस ट्रेनिंग में मैं पर्सनली आता रहा हूं, क्योंकि मेरा एक कोर वो है। मैंने हमेशा कहा है आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट, और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे एजुकेशन का ई भी नहीं आता है, ना मैंने बीएड किया, ना मैं जिंदगी में किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होके निकला। यहाँ आने से, राजनीति में आने से पहले पत्रकार था, उससे पहले रेडियो में काम करता था, एफएम रेडियो में। एफएम रेडियो में काम करते हुए एक बड़ी सुंदर चीज़ मुझे सीखने को मिली थी, जब हमें वहाँ एंकरिंग करना सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग्स होती थी वहाँ पे, तो किसी ने एक बड़ी, और वो मुझे टीवी में, जब मैं रहा टीवी में भी काम आई मेरे, और अभी भी काम आती है, मुझे उस दौरान एक चीज़ सिखाई गई थी कि जब बोलो ना तो अंदर से मुस्कुरा के बोलो, आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। रेडियो आर्टिस्ट के सामने, मैं रेडियो पे माइक पे बोलता था हमेशा, ये प्रॉब्लम आती थी, बड़ा र्यूडनेस आ जाती थी वॉइस में। अब रेडियो पे कोई एंकर एफएम में बात कर रहा है, र्यूडनेस कड़कस सी आवाज़ आने लगे तो मज़ा नहीं आता। तो जो आदमी मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे उन्होंने कहा तुम मुस्कुरा के बोला करो, अंदर से मुस्कुरा लो और बोलना शुरू कर दो, आवाज़ अपने आप अच्छी आएगी। ये हैप्पीनेस है, इतना लाना है। तो वहां से मैं कम करते हुए मैं बोल रहा था कि मैं एजुकेशन से मेरा वास्ता, सिवाय इसके कि मैं भी कुछ स्कूलों में पढ़ा हूं, सिवाय इसके कि मेरे फादर खुद टीचर थे, मेरा अपने करियर में एजुकेशन से पे मैं कभी काम ऐसे करूंगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला तो एक बात समझ में आई कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री एंड वर्ल्ड। एजुकेशन इज द ओनली वे। और ये बात मैं किसी एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह के आया हूँ। मॉस्को में गया था, 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो सारे लोग गागा थे कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, हम मार्केट को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, हम वर्चुअल क्लासरूम्स कैसे तैयार कर रहे हैं, हम एक टीचर से 200 क्लासरूम्स कैसे पढ़वा लेते हैं एक साथ में 200 अलग। मैं उनको बोला जी ये 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर बोले तो हमको इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमको डिस्कस करना चाहिए कि क्या हम 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स मिलके दुनिया को ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम दुनिया में एजुकेशन के माध्यम से आतंकवाद करके खत्म करके दिखाएंगे, और ये हो सकता है। दुनिया ने बहुत कोशिशें कर ली हैं आतंकवाद, करप्शन, पॉल्यूशन, इन सब को खत्म करने के लिए, युद्ध लड़े हैं, हथियारों की डील की हैं, संधियां की हैं, कानून बनाए हैं, प्रोटोकॉल्स किए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे सम्मेलन किए हैं, लेकिन ना पॉल्यूशन कम हो रहा है, ना करप्शन कम हो रहा है, ना वायलेंस कम हो रही है। तब मैंने उनको कहा कि हम 45 देशों के शिक्षा मंत्री अगर खड़े होकर दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस से ये कह सकें कि दुनिया के लोगों, दुनिया के शासकों, चिंता मत करो, एजुकेशन मिनिस्टर्स आपको भरोसा दिला रहे हैं कि दुनिया में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हम एजुकेशन से कर देंगे, आपसे तो हुआ नहीं, हथियारों से, हम एजुकेशन से करके दिखा देंगे। जब मैं ये बात कही तो कई लोगों ने मुझसे पूछा बाद में, सबने जो मिनिस्टर्स थे, यार ये बात तो ठीक है लेकिन हो सकता है क्या? बोले बात तो ठीक है, एजुकेशन से हो सकता है, ऐसा हमारा भी भरोसा बनता है, पर ये वाकई हो सकता है क्या? कैसे करोगे, कैसे होगा?
तो 8 महीने पहले मैं उनको कह के आया था कि होगा, पर इंडिया से होगा, इंडिया में भी दिल्ली से होगा, दिल्ली से ये निकलेगा। तो मैं कह के आया हूँ, आपके भरोसे पे कह के आया हूँ, और दुनिया को हम बताएंगे कि पीस हार्मनी एजुकेशन के माध्यम से कैसे रिस्टोर की जा सकती है, ये दिल्ली के स्कूलों से निकलने वाला है। मैंने इसीलिए कहा था आज आप करेंगे, कल देश करेगा और परसों दुनिया कर रही होगी इसको। तो उसकी तैयारी कीजिए, आपके अपने अपने स्कूल्स में जितनी फाउंडेशन ले करने की जिम्मेदारी थी वो डायरेक्टरेट ने, हम सब लोगों ने मिलकर काफ़ी पिछले 6-8 महीने में बहुत मेहनत करके ले किया है फाउंडेशन, इसको आगे बढ़ाइए। मैं अभी इस मौके पे सिर्फ शुभकामनाओं के अलावा और क्या दूं आपको, शुभकामनाएं आपके लिए, शुभकामनाएं अपने लिए। थैंक यू वेरी मच।